महेंद्र सिंह सोलंकी को जब अपने इलाके के एक व्यक्ति ने ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान बनाने पर फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि चालान जमा कर दो। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें सांसद महेंद्र सिंह को जब उस व्यक्ति ने फोन लगाया कि उसका चालान काटा जा रहा है तो उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस से पैसे ले लो और चालान भर दो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इस नेता में तो कोई दम नहीं है, अपन तो कांग्रेसियों को लगाते हैं, वो अपना काम करवाएंगे। फिर महेंद्र सिंह ने कहा ठीक है भैया, उनसे करा लो, मैं तो गाड़ी छुड़वाने के लिए फ़ोन नहीं कर सकता, गलती की है तो चालान भर दो। हेलो भैया, भैया कौन बोल रहे हो? महेंद्र सोलंकी। अरे भैया देवास में गाड़ी पकड़ ली भैया मेरी, चौबारा जिला से बोल रहा हूँ भैया। अच्छा अच्छा, तो चालान बनवा लो, चालान के पैसे कार्यालय से ले जाना हमारे पास, है ना? तो भैया आप बात नहीं कर पाओगे क्या उनसे? नहीं नहीं, मैं बात नहीं करता पुलिस से यार, गाड़ी के लिए कोई बात की जाती है क्या, है ना? आप चालान कटवा लेना मेरे से पैसे। शर्मा जी का फोन लगा यार, तू तो शर्मा जी फोन लगा, इनके सबके छोड़ तू तो इनमें दम नहीं है। लगा अभी काम हो, अभी ब्याक लगे तुमको नंबर पकड़। बहुत बढ़िया है यार, तुम अभी भैया को लगाओ फोन, है ना? हाँ ठीक है भैया, तुमको देख लिया भैया। सांसद महेंद्र सिंह का ये ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति ने उन्हें चालान काटे जाने को लेकर फ़ोन लगाया और कहा कि उनकी गाड़ी छुड़वा दे, लेकिन सांसद ने ये कह दिया कि मेरे ऑफिस से पैसे ले लो, लेकिन गलती की है तो चालान तो भरना पड़ेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।